तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। आज मैं आपके सामने उपनिषद के बारे में बतलाना चाहता हूँ। उपनिषद किसको कहते हैं, इनका क्या महत्व है। उपनिषद जो हैं वेदों से निकले हुए हैं। वेदों का जो अंतिम भाग है जिसमें ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या का कथन किया गया है, उस भाग में से निकले हुए जो ग्रंथ हैं उनको हम उपनिषद कहते हैं। गिनती में 108 कहे जाते हैं, लेकिन 11 उपनिषद जो हैं महत्वपूर्ण हैं। उपनिषदों का जो दूसरा नाम है रहस्य विद्या बतलाया गया है। अब ये रहस्य विद्या क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें आँखों से दिखाई देती हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो प्रकट होती हैं भिन्न भिन्न रूप में, तो वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा जो आत्म विद्या है इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो आँखों से या इंद्रियों से उनका ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उन इस विद्या की प्राप्ति के लिए हमें बहुत ही अलग ढंग से जाना पड़ता है, इसलिए इसको हम रहस्य विद्या कहते हैं। क्योंकि इसमें सब कुछ अप्रत्यक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, आत्मा को हम देख नहीं पाते हैं। आत्मा एक शक्ति है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, तो इस प्रकार इसको रहस्य विद्या कहा गया है। देखो, ये वैसे भी रहस्यमय इसलिए है कि इसको जानने के लिए किसी एक इंसान ने कभी जो है खोज नहीं कर पाया है, कि अलग अलग व्यक्तियों ने इसके बारे में बहुत से रहस्य प्रकट किए हैं। एक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है और उस व्यक्ति का जो मत है वह सर्वमान्य नहीं रहा है। इस रहस्य विद्या को जानने का अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें नचिकेता के समान सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा। उपनिषदों में उस काल की अध्यात्म एवं दर्शन संबंधी सामग्रियों के भव्य चित्र ही नहीं सजाए गए हैं, परंतु भारतीय जीवन दर्शन के सभी पहलुओं का गंभीर विवेचन भी उनके अंदर किया गया है। मानव जीवन में ही नहीं, इस निखिल विश्व में व्याप्त सत्य की जिज्ञासा एवं उसके अन्वेषण के लिए उपयोगी साधना की ऐसी उत्कट उत्कंठा उस में व्यक्त है जो विश्व के विस्तृत वांगने में अन्यत्र दुर्बल है, दुर्लभ है। मानवीय प्रतिभा एवं पहुंच का इनसे बढ़कर कोई दूसरा उदाहरण इस रूप में अभी तक नहीं बन सका है। ये जो उपनिषद हैं, ये सारे हमारे ऋषि महर्षि और महात्माओं के द्वारा इनका संकलन किया गया है, इनकी रचना की गई है। सचमुच मानव की उत्कृष्ट कल्पना का ऐसा शाश्वत एवं कल्याण रूपी रूप विश्व साहित्य में अभी तक दूसरा नहीं दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि आर्य धर्म ने मानने वाले भी उन पर तन मन धन से निछावर हैं। सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने उपनिषद के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए एक अवसर पर कहा है, यह मुझे जीवन में शांति देती रही है और मृत्यु के समय भी शांति देगी। सारे संसार में ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है जो उपनिषदों के समान उपयोगी और उन्नति की ओर ले जाने वाला हो।
वे उत्तम बुद्धि की उपज हैं। आगे या पीछे एक दिन तो ऐसा होना ही है कि यही विश्व की जनता का धर्म होगा। देखिए, पाश्चात्य जो विद्वान रहे हैं उनका जो अध्ययन रहा है वो मन और साइकोलॉजी तक सीमित रहा है। पहली बात, उनके जो है पाश्चात्य लोगों के धर्म में कह लो या उनकी संस्कृति में कह लो, आत्मा का कोई उल्लेख नहीं। ये तो हमारे उपनिषदों से उन्होंने जाना है कि आत्मा भी कोई होता है। उन लोगों को इस चीज़ का, वो सिर्फ मन किस मतलब मनोविज्ञान तक ही उनका सीमित रहा है। मनोविज्ञान और अध्यात्म में बहुत फर्क है, क्योंकि मन से जो हम मन का जो विज्ञान है उसको मनोविज्ञान कहते हैं, और जो आत्मविद्या है ये हमारी आत्मा से संबंधित है। मैंने दूसरे पहले एक वीडियो में आत्मा और मन का संबंध समझाया है। देखिए, मन वास्तव में होता नहीं है। ये सारा जो खेल है हमारे जीवन का, ये आत्मा से ही है। मन है क्या? मन जो है विचारों की श्रृंखला है जो हमारी आत्मा से ही उत्पन्न होती है। इसी श्रृंखला का नाम जो है मन रखा गया है। पाश्चात्य लोगों ने तो बहुत सारे ग्रंथ लिख डाले हैं मन के ऊपर। मन का कॉन्शियस माइंड वो बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और वो लोग जो है अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, सुपर कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। देखिए, ये सब अध्यात्म में हम जब जाते हैं, उपनिषदों को जो पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि मन तो केवल आत्मा का एक कर्म है, आत्मा का एक अंश है। आत्मा से विचार पैदा होते हैं। ये विचारों की जो श्रृंखला है उसका नाम हम रख देते हैं आत्मा। इसी तरह ईगो, ईगो क्या है? हम अपने आप को आत्मा को पहचानते हुए, ना पहचानते हुए अपने आप को हम इस शरीर से जोड़ लेते हैं। इसी का नाम जो है ईगो है। आईनेस जो है, सेल्फ, रियल सेल्फ है, मतलब रियल आई है, एक ईगो है। फाल्स आई ईगो है, रियल आई हमारी आत्मा है। तो ये मैंने एक वीडियो में पहले इसको काफी विस्तार से समझाया है। तो सुप्रसिद्ध जो पाश्चात्य विद्वान मैक्स मुलर ने उपनिषदों के बारे में एक स्थान पर लिखा है, उपनिषद वेदांत के आदि स्रोत हैं और ये ऐसे निबंध हैं जिनमें मुझे मानवीय उच्च भावना उच्चतम शिखर पर पहुंची हुई मालूम पड़ती है। ये उद्धरण इसलिए नहीं दिए गए हैं कि इनके कारण उपनिषदों की महत्ता में कोई वृद्धि हो जाएगी, प्रत्युत इससे यह दिखा जा रहा है कि आर्य धर्म न मानने वाले विदेशियों की दृष्टि में उपनिषदों का क्या महत्व है। कहना तो ये चाहिए कि हम भारतीयों की संस्कृति और सभ्यता का प्रतंत्रतावस्था में भी जो सारे संसार में सम्मान था, उनका बहुत कुछ कारण ये हमारे ज्ञान भंडार उपनिषदों भरी रही है। उपनिषदों की एक एक वाणी में वह अमर तेज व शांतिदायी आलोक है जिसे पढ़कर, गुनकर और आचरण कर कितनों की आंखें खुल गई, कितने सिद्ध बन गए, कितने योगी बन गए, कितने जीवन मुक्त हो गए और कितने ब्रह्म विलीन हो गए। सहस्रों वर्षों से सरस्वती के यह आलोक में प्रसाद अकिंचनता में भी, कुबेर की समृद्धि अथवा भौतिक अभाव में भी आध्यात्मिक शांति की निधि लुटाते चले आ रहे हैं। इन्हें पाने वालों को फिर कुछ पाना नहीं रह गया। कल्प द्रुम के नीचे पहुंचकर कामनाओं का उदय हो ही कैसे सकता है। इसमें मैक्स मुलर का जो जिक्र आया है, मैक्स मुलर जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं
उन्होंने वैसे हमारे जो वेद साहित्य है उसका फायदा कुछ नहीं किया ज़्यादा। उन्होंने ऐसा ऐसा जो है ट्रांसलेशन किया है जो बहुत ही भयानक है। उन्होंने तो यहाँ तक सिद्ध कर दिया कि वेदों के जो ऋषि थे वो गाय का मांस खाते थे। तो भाई ऐसा है, हमारे भारतीय जो विद्वान हैं वो इन लोगों का पता नहीं क्यों जो है जिक्र करते ही। इन लोगों का उद्देश्य हमारे जो संस्कृति है उसका कोई बढ़ाने की नहीं सोची, उसको गिर किस प्रकार हमारे जो वैदिक ज्ञान है इसको नीचा दिखाया जाए। खैर ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार पाश्चात्य लोगों ने हमारा कितना संस्कृत का जो भंडार है ग्रंथों का उसको तुम लोगों ने फूंक डाला था। सारा संस्कृत का जो साहित्य है वो अवेलेबल भी नहीं है। महर्षि दयानंद जब वेदों का भाष्यकार लिख रहे थे तो उनको जर्मनी से मंगाने पड़े थे वेद, कितनी विडंबना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं हम। उपनिषद शाश्वत ज्ञान की अक्षय भंडार है, ये निरंतर का ज्ञान है, ये सीधा परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। संसारे संसार में ऐसा कोई दर्शन नहीं, ऐसी कोई विचारधारा नहीं है जो इनसे प्रभावित नहीं हुई है। परमाणु द्वारा यह तो सिद्ध हो ही चुका है कि मुगल साम्राज्य काल में इनका प्रसार विदेशों में भी हुआ, किंतु यह भी पता लगता है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत के इन ज्ञान दीपों ने सृष्टि की ओर छोर तक में अविद्या का अंधकार को दूर किया था। मुगलों में जो औरंगजेब के बड़े भाई थे दारा शिकोह, उन्होंने उपनिषदों का फारसी में ट्रांसलेशन भी किया था। भारतीय विद्या तथा संस्कृति की तो ये मूल स्रोत ही रही हैं। ऐसा कोई दर्शन, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक, ऐसा कोई शास्त्र, ऐसा कोई तर्क नहीं है जो उपनिषदों की अमर वाणियों से निकले हुए न मालूम पड़ते हों। सारी युक्तियाँ, सारे तंत्र, समूचे प्राण, संपूर्ण पदार्थ, विज्ञान की विभिन्न धाराएं, विद्या की समस्त श्रेणियाँ, अधिक क्या मानव जाति के सुख शांति के सारे उपाय इन्हीं काम धर्मों की कृपा से प्राप्त होते दिखाई पड़ते हैं। इस प्रपंच में, जगत में जो भी दुख, दैन्य, दारिद्र्य, पाप, संताप हैं, उन सबको समाप्त करने के लिए उपनिषद कल्पद्रुम के समान है। ऐसी कोई विद्या या कोई कला नहीं है जो इनमें ना हो। आचार शास्त्र तथा उच्च कोटि की सभ्यता से लेकर परम आध्यात्मिक शांति एवं पारलौकिक निःश्रेयस के लिए ये सदा खुली हुई है। इनमें वर्णित विद्याएं कल्पना की ऊंची और मीठी उड़ान मात्र नहीं है, एक सभ्य एवं समुन्नत जाति की सहस्रों वर्षों की गहरी अनुभूतियों का उनमें रस घुला हुआ है और वे पारमार्थिक दृष्टि से क्रियात्मक हैं। उपनिषदों में दी गई शिक्षाओं को व्यवहारिक रूप में लाकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज अवंती के गर्त में कभी नहीं गिर सकता, प्रत्युत दुख देने से छुटकारा पा सकता है। विद्वेष व घृणा की आग से उसे कोई भय नहीं हो सकता और न भौतिक अभाव के कारण उसे दर दर भटकना ही पड़ेगा। काम क्रोध आदि विकारों को दूर करने की इनमें अमोघ शक्ति है। आत्म ज्योति को पहचानने के लिए इनसे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। इनमें वह दिव्य तेज है जिससे कोई भी देश, कोई भी जाति, कोई भी समाज सदा उद्भासित रह सकता है और गिरी अवस्था में भी पुनः उत्थान को प्राप्त कर सकता है। सामान्य पशु से मनुष्य बनाने की शक्ति का तो कुछ कहना ही नहीं है।
इनमें मानव पुत्र को अमृत पुत्र बनाने या अमरत्व प्राप्त करने के सारे रहस्य भरे पड़े हैं। इनमें बताए गए संयमों के द्वारा मानव बड़ी सरलता और सुगमता से अमर बन सकता है। देखिए, अमर शब्द जो है ये भी बहुत ही भ्रम फैलाया हुआ है। हमारा शरीर जो है वो पदार्थ से बना हुआ है और पदार्थ जो है वो परिवर्तनशील है। जो चीज़ परिवर्तनशील होती है वो अमर हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैटर जो है ये चेंज होता रहता है। तो हमारा शरीर तो मैटर का बना है, पांच तत्वों से बना है, तो शरीर तो अमर नहीं हो सकता है। अमर जो शब्द है वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मा का कोई जन्म नहीं, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं, आत्मा अमर है। तो अमर शब्द जो है ये हमारी आत्मा से संबंध रखता है, ना कि शरीर से। तो लोग उन कहानियाँ बड़े बड़े कहते हैं कि भाई ये फला 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 और अमर हो गए। अमर का मतलब क्या होता है? जिन्होंने आत्म साक्षात कर लिया, ब्रह्म का दर्शन हो गया, तो उनको अमर कहा जाता है, ना कि शरीर से। ये बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जो चल रही हैं, लेकिन अमर का मतलब आत्मा से है। और जिन्होंने आत्मा को पा लिया, हम उनको कहेंगे कि वो अमर हो गए। देखिए, आदि शंकराचार्य ने उपनिषदों का बहुत ही अच्छी तरह से भाष्य लिखे हैं। उन्होंने इस उपनिषदों का काफ़ी ज्ञान फैलाया। स्वामी दयानंद ने भी जो है उनकी जल्दी मृत्यु होगी, क्योंकि उनको तो अपने धर्म को बचाने में ही सारा। अब रिसेंट टाइम में जो हैं महर्षि रमन जो हैं, इन्होंने उपनिषदों की एक एक बात को अपने जो है ज्ञान से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से एक एक उपनिषदों में जो लिखा है उसको सिद्ध किया है। उससे पहले रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और बाकी जो हैं रामकृष्ण मिशन के जो आज भी स्वामी हैं, वो लोग बहुत अच्छी तरह से उपनिषदों का है, उन्होंने ट्रांसलेशन भी किए हैं और उन्होंने अपने आप में उनका अनुभव भी किया है। ऐहिक सिद्धियों के द्वार तो इनमें खुले ही हैं, पारलौकिक समृद्धियों के लिए भी इनमें सभी साधन विद्वान। देखिए, ये सिद्धि सिद्धि लोग कहते हैं, सिद्धि और परमात्म प्राप्ति ये दोनों अलग हैं। जो लोग सिद्धियों के पीछे पड़ते हैं ना, वो फिर आत्मा से दूर चले जाते हैं। ये सब तांत्रिक, ये विद्या तांत्रिक लोग ये वगैरह ये क्या करते हैं, ये अध्यात्मवाद से बहुत दूर होते हैं, इनके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो सिद्धियाँ सिद्धियाँ जो हैं वो हमारे आत्म ज्ञान के लिए रुकावट है। तो सिद्धियों का जिक्र उपनिषदों में ऐसा नहीं है। पारलौकिक समृद्धियों के लिए भी इनमें सभी साधन विद्यमान हैं, क्योंकि देखिए वेदांत जो है ना, हमारे हिंदू धर्म में वेदांत की जो शाखा है वो बहुत ही मशहूर है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी जो है रामतीर्थ और परमहंस रामकृष्ण, महर्षि रमन, शंकराचार्य, इन लोगों ने वेदांत के ऊपर बहुत अनुभव भी किए, ग्रंथ भी लिखे हैं। वेदांत का मतलब होता है वेदों के अंत में जो ज्ञान है आत्मा का, वो वेदों का अंतिम भाग कहे जाते हैं। उपनिषदों में वर्णित तथ्यों पर आधारित है, यह
समझना चाहिए कि वे केवल पारलौकिक सिद्धियों की देने वाली हैं, प्रतिदिन में ऐहिक जीवन की विविध समस्याओं को हल करने की प्रेरणा है। किंतु मीठा मीठा चलाने से जिस प्रकार मुंह मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार केवल उपनिषद के वाक्यों के बार बार उच्चारण से भी वास्तविक सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल पुस्तकों के रट लेने से या किसी का उपदेश सुनने मात्र से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इस संबंध में मुंडकोपनिषद में कहा गया है, जिसका ट्रांसलेशन मैं बताता हूँ हिंदी में, अर्थात क्या आत्मा वेदादि के अध्ययन से नहीं मिलता। देखो, वेदादि या उपनिषद पढ़ने से रास्ता हमें मिल जाता है, रास्ते पर चलना हमें है, अनुभव करना है, प्रयत्न करना है, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ने बुद्धि की सूक्ष्मता से या बहुत से शास्त्रों के सुनने या अनेक विषयों की जानकारी से ही वह मिलता है। जो पुरुष इस संसार में केवल इसी आत्मा का वर्णन करता है, उसी को इसकी प्राप्ति होती। देखिए, आत्मा का वर्णन क्या हो, वर्णन क्या होता है? हमें पूरा 24 घंटे में हमारा जो है संपत्ति को बढ़ाने में संसार में लगा रहता है, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, यही हमारी दिनचर्या है। देखो, आत्मा की जो वर्ण करने का मतलब क्या होता है, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए और अंदर डूबना चाहिए, क्योंकि अंदर ही हमारी आत्मा का निवास है। हमारा अध्यात्म के हृदय कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमारा एक तो जो हृदय जिसमें रक्त शुद्धि वगैरह का काम होता है, दूसरा हृदय है जहाँ जिसमें अध्यात्म मतलब आत्मा रहती है, स्पिरिचुअल हार्ट उसको बोला जाता है। तो हमें उसमें पहुंचना होता है और हमें कोशिश करके अपने मन को भी उसी में पहुंचा देना होता है। जब हमारा मन हमारी कोशिशों के द्वारा स्पिरिचुअल हार्ट में, जब हृदय में पहुंच जाता है और वो आत्मा में वापिस समाहित हो जाता है, तो हम कहते हैं आत्म ज्ञान हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। भाई, ये करने से होता है, ये बहुत मुश्किल है ही नहीं। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हम टाइम जो है इतना मिलता नहीं है कि हम कर पाए, लेकिन भाई असली यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो घंटा दो घंटा डेली बैठ के जो है अंदर डूबना चाहिए। अंदर डूबने का देखो ये भी थोड़ी है गलती है। अंदर डूबने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मन है ना, उसकी नेचर है बाह्य गमन, एक्स्ट्रावर्ट होता है हमारा माइंड। हमें इसको अंदर की तरफ, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी। मन तो बार बार बाहर जाएगा संसार में, ये इसकी प्रकृति है, ये इसकी नेचर है। हमें प्रयत्न क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता मनन के द्वारा, कंटेम्पलेशन के द्वारा और अफर्मेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा मन की डायरेक्शन बाहर से हटा करके अंदर की तरफ करना है। मन जो है आहिस्ता 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 हमारे अध्यात्म पे हृदय में जब पहुंच जाता है, तो ये अपने स्रोत में, अपने सोर्स में मिल जाता है। तो इसमें भाई करने से होगा, ये मैं जो बता रहा हूं ना, क्योंकि मैं करता हूं और बहुत ये मुश्किल भी नहीं है और भाई आसान तो इसलिए नहीं है कि हम करते नहीं। जब हम करते ही नहीं है तो भाई मुश्किल है, लेकिन जब करना शुरू कर दोगे ना,
केवल आनंद है, शुरू में तो कष्ट होंगे, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो अपना जो असली विषय उपनिषदों की महत्व क्या है तो उसी पर चलने दो। आत्मा उसी भाग्यशाली को अपना स्वरूप दिखाता है, किसको, जो मैं बता रहा हूँ, जो बैठता है उठ के सुबह 3-4 बजे 2-2.5-3 घंटे बैठ के ब्रह्म वेला में और कोशिश जब करता है ना, तो भाई आनंद है, आनंद ही आनंद है दोस्तों। मुश्किल है जब तक आप कोशिश नहीं करते, कोशिश कर लो, आनंद है, इससे बड़ा दुनिया में कोई आनंद है, आपको बहुत भी आनंद आएगा। देखो ये मैं उपनिषदों की महत्ता इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो है ध्यान इस आत्म विद्या की तरफ, देखो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे 4 उद्देश्य बताए हैं जीवन के, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। देखो अर्थ मतलब पैसा तो खूब कमाते हैं, गृहस्थ जीवन में सारा जिंदगी खपा देते हैं, ठीक है ना। धर्म देखो, धर्म की भी एक अलग से जो धर्म की परिभाषा जो है ना भाई, धर्म क्या है ना, धर्म बनाया गया है इंसान के द्वारा, और अध्यात्म जो है ना वो एक हर इंसान की आत्मा है, आत्मा को पहचानना ये अध्यात्मवाद है। तो असली धर्म तो भाई अध्यात्मवाद है, वैसे लोगों ने बना लिया है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, तो ये तो भाई मानव के द्वारा बनाए गए हैं, इसके नियम भी मानव के द्वारा बनाए गए हैं, तभी तो हम मानव तो एक लिमिट है, फाइनाइट है, आत्मा इनफिनिट है भाई। एक आप फाइनाइट की तरफ क्यों झुकते हो, व्हाई डोंट यू कम टू द इनफिनिट, आत्मा इनफिनिट है। अरे थोड़े से गिलास के पानी को छोड़ के समुद्र की तरफ दौड़ो, आत्मा एक समुद्र है, अथाह ज्ञान का सागर है, आप क्यों मन रूपी गिलास के थोड़े से पानी में ही खुश होना चाहते हो दोस्तों। चलिए तो बलहीन अर्थात ब्रह्मचर्य विहीन परमादि और अशास्त्रीय तप में निरत को भी आत्मा नहीं मिलती, कभी नहीं मिलेगी इसको, तो भाई किसको मिलेगी जो कोशिश करेगा, और कोशिश बहुत मुश्किल नहीं है भाई, ना उसमें पैसा लगता है, ना कुछ धन दौलत लगता है। और देखो आप लोग बैठ के ध्यान करना शुरू कर दो, ये गुरु गुरु का चक्कर भी बड़ा घंटा बहुत ही टेढ़ा काम है, गुरु जो है ना जो भी आपको अंधेरे से प्रकाश में ले जाए वो गुरु है, और भाई आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। हमारी आत्मा के अंदर वेदों का उपनिषदों का पूरे ब्रह्म ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, लेकिन भाई हम तो वो ऐसे बस चक्कर काट रहे हैं, हाँ अमृत का कुआं भरा हुआ है उसके चक्कर काट रहे हैं, कोशिश नहीं करते कि पी के देखें। खजाना भरा पड़ा है हमारी आत्मा में और हम चक्कर काट रहे हैं, हम सोचते हैं कि इसमें सुख मिलेगा, मकान में सुख मिलेगा, कार में सुख मिलेगा, भाई सुख तो अंदर है, झांक लो, थोड़ा सा झांक लो, नहीं तो भाई पछताना पड़ता है। इसको पाने के लिए मनुष्य को पहले इनके वचनों को सुनो, उसके बाद उन पर पूरा पूरा मनन करो, एकांत में शांत मन से उन पर विचार करो, इसके अनंतर चित्त वृत्तियों को समेट कर अंतर्मुखी बनकर मन में एकाग्र चित्त हो, ध्यान धरो, तभी तुम्हें वह महाज्योति अखंड आनंद और शाश्वत शांति का सरोवर नहाने को मिलेगा,
उसे प्राप्त कर लेने पर तुम्हारे हृदय की सब गांठें अपने आप खुल जाएंगी, सारे संशय दूर हो जाएंगी, सभी शुभ अशुभ कर्मों का बंधन टूट जाएगा और तुम जीवन मुक्त बन जाओ। दोस्तों ये उपनिषदों में लिखा है, मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मेरे दोस्तों। मन जो है हमेशा हमें दुनियादारी में भटकाएगा। आप जब ध्यान में बैठोगे तो ये आपको बैठने नहीं देगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये आत्मा के पास आपको पहुंचने ही नहीं देगा। ये जो मैं बार बार आप शब्द का यूज कर रहा हूं ना मेरे भाई, मैंने पहले बताया था, हमारा एक तो जो आई है वो है फॉल्स, जिसको हम ईगो कहते हैं, और एक आई है हमारी आत्मा जिसको हम सेल्फ कहते हैं। तो मैं बार बार जो आप कह रहा हूं, मैं ये ईगो को रेफरेंस नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में जो कर्म हम करते हैं वो सब आत्मा तो केवल विटनेस है, मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा ईगो ही हमारा मास्टर है। हमारा जो दैनिक जीवन का जो कंट्रोल है वो ईगो के पास है, ठीक है ना। क्या करना है, ये ठीक है ये गलत है, ये बुद्धि और मन का जो है डिसीजन मेकिंग है, बाकी कंट्रोल है ईगो का। आत्मा जो है फ्री विल के हिसाब से, आत्मा ने आपको फ्री छोड़ रखा है, इट इज योर विश एंड विल व्हाट यू वांट टू डू, आपको जो करना है वो फ्री विल है आपकी। अब नियम में बंध के चलोगे, उपनिषदों की सुनोगे, वेदों की सुनोगे, उसके अनुसार चलोगे, तो भाई आपका जो आखिरी जो चीज है मोक्ष, ठीक है ना, वो आपका काम बन जाएगा। और मन की बुद्धि की रीको की चलोगे तो भाई पिसते रहो, जन्म लेते रहो, मौत जन्म मर्त डेथ एंड बर्थ का साइकिल में रगड़े खाते रहो। अदरवाइज वेरी सिंपल, आप भाई ऑफिस में काम करते हैं, आपने फैक्ट्रियां लगा रखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल शाम को जब आप ऑफिस से फैक्ट्री से अपने वर्क प्लेस से जब आ जाते हैं, खा के पी के एक घंटा अपने मकान के कोने में अकेले बैठ जाओ और सोचना शुरू कर दो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैंने अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या क्या किया है, कहाँ भटक रहा हूँ। तो ये थोड़ा 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 विचार करो, असली चीज क्या है विचार करने की, कि हमें आत्मा तक पहुंचना है। महर्षि रमन ने बहुत बढ़िया तरीका बताया गया है, उसका नाम दिया गया है सेल्फ इंक्वायरी, उस पर मैं अलग से वीडियो दूंगा, और ऐसे मतलब बहुत समझा के अनुभव, अपने अनुभव से मैं समझा दूंगा, लेकिन भाई करो तो, करना तो आपको है, किताब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो करने की चीज है वो केवल पढ़ने से नहीं होगा, करना है। बहुत उपनिषद का जो ज्ञान है ना, वो इतना 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 प्यारा ज्ञान है ना, एक बार इसमें आपका ध्यान हो जाए, इंक्लिनेशन इसकी तरफ हो जाए, तो फिर आपका जीवन सुधर जाएगा मेरे भाई। ये याद रखना, जो लोग परमात्मा की तरफ चलते हैं ना, तो उनको लक्ष्मी धन दौलत इन चीजों की कमी नहीं रहती है,
यदि कमी है तो उनमें असंतोष की भावना खत्म हो जाती है। ये ध्यान देने की चीजें हैं। तो चलो इस प्रकार यदि देखा जाए तो उपनिषदों का एक एक अक्षर एक एक बहुमूल्य रत्न है। ये हिंदू जाति के लिए ही गर्व की वस्तु नहीं है, प्रत्युत मानव जाति मात्र के लिए गौरव की वस्तु। देखिए भाई, मैंने पहले ही बताया है, धर्म किसने बनाए? इंसान ने। आत्मा क्या है? ये तो शाश्वत है, परपेचुअल, इट इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम अननोन टाइम्स। तो भाई आत्मा की जो विद्या है ये ना हिंदू की है, ना क्रिश्चियन की है, ना मुस्लिम की, ना सिख की, ना जैन की, ये किसी की भी नहीं है भाई, ये तो आपकी है। हम इसको भटक के और भाई गुरुओं का चक्कर, ये चक्कर, इनमें भटक गए और केवल हमें दुख मिल रहा है। कोई कहता है इसकी पूजा करो, कोई कहता है उसकी पूजा करो, कोई कहता है उधर जाओ, कोई कहता है उधर जाओ। अरे मेरे भाई, जहाँ जाना है वहाँ कोई नहीं बताता, क्योंकि लोगों ने दुकान खोल रखी है। यदि उन्होंने आपको बता दिया भाई परमात्मा, तो आपकी आत्मा और परमात्मा सब एक ही है, तो भाई उनकी दुकान तो बंद हो जाएगी। चक्कर ये है, उपनिषद का ज्ञान केवल 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 सच्चा ज्ञान है, वेद का ज्ञान केवल केवल सच्चा है, उसमें दो नहीं है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जो शब्द बना है ना इंग्लिश में, वो एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो सच है, और सच क्या है? आत्मा और परमात्मा। तो इसमें धर्म की तो बात ही नहीं आती। तो उपनिषदों ने तो भाई आत्मा का वर्णन किया हुआ है, जब आत्मा का वर्णन किया है तो इसमें धर्म की कोई बात ही नहीं। हिंदू आत्मा तो भाई क्रिश्चियन की भी है, आत्मा तो मुस्लिम भाइयों की भी है, आत्मा तो हिंदुओं की भी है। तो आत्मा का जो ज्ञान है वो किसी धर्म का तो है ही नहीं, ये है ना बात। तो सिंपल है, लेकिन भाई सिंपल कहाँ, देखो मारकाट हो रही है धर्म के नाम पर, तो भैया युद्ध हो रहे हैं, ये चक्कर है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा के पास जाना ही नहीं चाहते। तो मानवता की सीमा लांघकर ऊपर उठाने की इनमें ऐसी ऐसी युक्तियां दी गई हैं जो कभी व्यर्थ होने वाली नहीं है। इस परमाणु एवं उद्र जन युग में भी इनकी ज्योति मलिन नहीं हुई है। समस्त मानवता को उबारने की इनमें अद्भुत एवं प्रचंड शक्ति है। विज्ञान ने अपने चरम विकास में भी समूची प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में अपनी हार ही स्वीकार की है, किंतु उपनिषदों के वर्णित तत्वों में समूची प्रकृति मुट्ठी में हस्तगत होती दिखाई गई है। यह कोई भावुकता नहीं है, इसमें वस्तु स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपने संकुचित व्यर्थ से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। आज तक मृत्यु से पराजित विज्ञान को दर दर ठोकरें खाने के बाद यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि इसे वश करने की कोई शक्ति उसके पास नहीं है, किंतु उपनिषदों ने अमरत्व प्राप्ति की युक्तियां सथल स्थल पर बताई गई हैं। दोस्तों मैंने पहले ही बताया, अमरत्व कुछ शरीर का नहीं होता भाई, यहाँ ये चक्कर है। कहानियां बनाती हैं, फलां ऋषि थे, फलां अस्वस्था में ये वो घूमते हैं अमरत्व। भाई ऐसा है, ये अमरत्व जो शब्द है वो आत्मा के लिए है, आत्मा ही अमर है, शरीर अमर नहीं होता है। ये हो जाता है जब लोग योग शक्ति से अपना जो सूक्ष्म शरीर है उसको थोड़ा थोड़ा करके अपना जो फिजिकल बॉडी में कन्वर्ट कर सकते, ये है। लेकिन ये बड़ी योग विद्या की चीज है, साधारण मानव के लिए ये
कल्पना से परे की चीज है। ये उक्तियां कल्पना प्रसूत नहीं है, सहस्रों वर्षों की गहरी अनुभूतियों तथा क्रियाओं का इनमें पुट है। आज के युग में भी उपनिषदों के प्रभाव से स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, रामकृष्ण परमहंस आदि ने अपने जीवन में अमृतत्व के अक्षणों का जो अनुभव किया है उसका पता सारे संसार को है। ये मैंने पहले ही बताया नहीं, ये हमारे मतलब रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, शंकराचार्य और महर्षि रामन, महर्षि रामन और परमहंस रामकृष्ण पिछली शताब्दी के ये दो ऐसे महान संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, जिन्होंने उपनिषदों और वेदों के ज्ञान को बिल्कुल सरल तरीके से समझाया है। मैंने रामकृष्ण परमहंस और महर्षि रमन की साहित्य को पढ़ा है, समझा है और अनुभव भी कर रहा हूँ। तो भाई ये जो कुछ अध्यात्मवाद जो है वो अनुभव का है, पढ़ने से, केवल पढ़ने से नहीं, पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े तो पता नहीं लगेगा। पढ़ो मगर फॉलो करो उसको, केवल पढ़ने से नहीं होगा, बिना पढ़े भी नहीं होगा। जब पढ़ोगे नहीं, जब पता ही नहीं होगा तो आप करोगे क्या? तो पढ़ो, समझो, रास्ता पता करो और फिर उस रास्ते पर चलो, फिर जीवन का आनंद ही आनंद है। उपनिषदों के रहस्यात्मक विचारों की परंपरा से न केवल हिंदू जाति के जीवन दर्शन ही प्रभावित हैं, परंतु बौद्ध तथा जैन दर्शनों पर भी उनकी अमिट छाप है। देखिए, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन, इनके बारे में इनके शिष्यों ने कुछ काफ़ी कुछ साहित्य लिख दिया, अपनी मर्जी से भ्रम फैला दिया। नहीं तो भाई ये यही सेम है। बौद्ध का यदि एक एक असलियत देखोगे तो उन्होंने क्या किया था, वही तो ध्यान तो किया था ना, आत्मा का साक्षात्कार तो किया था, लेकिन बाद में उनके शिष्यों ने काफ़ी कुछ लिख डाला है। चलो वो हमारा विषय नहीं है। सूफियों की रहस्य भावना, मुसलमानों का एकेश्वरवाद, कृष्णों की रहस्यवादिता, शोपेनहावर का दार्शनिक विचार, राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज की मूल भावना, स्वामी दयानंद, कविंदर रविंद्र और योगेंद्र अरविंद की विचारधाराएं उपनिषदों से अत्यधिक प्रभावित हैं। शंकराचार्य, रामानुज, वल्लभ, माधव आदि आचार्य ने तो इन्हीं की पृष्ठभूमि पर अपने सिद्धांतों की अवतारण की है। यह सही है कि इन उपनिषदों की विचारधारा में जीवन के संध्याकाल, संन्यास आश्रम के अनुभवों के अमूल्य पवित्र विचार संग्रहित हुए हैं और ये आर्य जीवन के संन्यास आश्रम की स्थिति के प्रतीक हैं। किंतु इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि इनमें लोक जीवन या लोक संग्रह की भावनाओं का जानबूझकर निरादर किया गया है। कहना तो यह चाहिए कि प्रथम के तीन आश्रम का सार्थत्व भी इनमें आ गया है। इनके विचार इतने गूढ़, उद्दात और व्यापक हैं कि इनमें सब स्थिति के लोग समान लाभ उठा सकते हैं। यही कारण है कि क्या सब धर्मी, क्या विधर्मी, क्या पौवार्त्य, क्या पाश्चात्य, सभी विचारकों के लिए ये प्रेरणा और स्मृति के स्रोत हैं। व्यापक मानव धर्म और उनके जीवन दर्शन के अक्षेत्र में किसी भौगोलिक रेखा से आबद्ध नहीं हैं और अन्य काल की सीमा रेखा ही इनकी प्रसिद्धि और सनातनता में कोई बट्टा लगा सकी है। ज्ञान और अनुभूतियों का मस्तिष्क और हृदय का इनमें ऐसा मधुर समन्वय है कि कहीं विषमता का कहीं पता। देखो, वेदांत के तीन अंग हैं। सबसे पहले उपनिषद हैं, दूसरे गीता हैं और
तीसरे जो हैं वेदांत दर्शन है, वेद व्यास का जो लिखा हुआ है ब्रह्म सूत्र, जिसको हम वेदांत दर्शन कहते हैं, ये तीन अंग हैं, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र। तो यद्यपि विषय की व्यापकता के कारण सभी दर्शन एवं संप्रदाय अपने मतों की पुष्टि के लिए उपनिषदों का आश्रय लेते हैं, किंतु उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन की ही विशेष विवेचना इनमें की गई है। यही कारण है कि आचार्य शंकर ने अपने मत के प्रतिपादन में सथल स्थल पर इनका उपयोग किया है। ब्रह्म की व्यापकता, आत्मा की नित्यता, लौकिक सुख की अक्षण भंगुरता, मुक्ति की उपलब्धि आदि विषयों का इनमें प्रमुख रूप से प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि वे वास्तव में ज्ञान कांड के समर्थक हैं, किंतु उपासना और कर्म कांड का भी इनमें बहिष्कार या निरादर नहीं किया गया है। आज के विज्ञान युग ने उपासना और कर्म कांड को मानव स्वभाव से कुछ दूर कर दिया है, किंतु ज्ञान का अक्षेत्र आज भी पूर्ववत अबाधित है। इसमें काल कर्म से परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। फलस्वरूप उपनिषदों में परमात्मा, आत्मा, सृष्टि, पुनर्जन्म, स्वर्ग, धर्म, आचार आदि का जो विवरण अथवा परिचय दिया गया है, वह आज भी ज्यों का त्यों है। बड़े बड़े वैज्ञानिक विद्वानों के तर्कों और नास्तिकों की शंकाओं को वहाँ फटकने की भी स्थिति नहीं मिलती। यही कारण है कि सनातन हिंदू जाति की रीढ़ भी धर्मियों के घोर अनाचारों में भी नहीं टूटी। प्राय शासन की क्रूर श्रृंखलाओं में शताब्दियों तक जकड़े रहने पर भी उसमें जड़ता नहीं आई। लाखों आंधी तूफानों बंडर के बीच में पड़ने पर भी उसका तेज देखिए। कुछ देश तो गुलामी के कारण अपनी संस्कृति को खो चुके, क्योंकि संस्कृति उनकी थी नहीं। हिंदुस्तान 900 साल तक गुलाम रहा, लेकिन आज भी भारत की हिंदू धर्म की जो संस्कृति है वो आज भी अडिग है। इसको क्यों? क्योंकि वो सच्चे उस पर रास्ते पर थे। हमारे ऋषियों ने जो रास्ता सुझाया है वो निरंतर बहने वाली गंगा की तरह है। व्यापक लोकप्रियता के कारण उपनिषदों की संख्या बढ़ते बढ़ते 200 से भी अधिक बन गई है, किंतु उनमें मुख्य 18 ही हैं, जिनकी गणना स्वामी शंकराचार्य ने अपने भाषा में की है। महर्षि दयानंद ने 11 बताए हैं, महर्षि रमन ने भी 11 ही बताए हैं, और स्वामी विवेकानंद और जो रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य हैं, रामकृष्ण मिशन के जो स्वामी जी, उन्होंने भी 11 ही बताए हैं। वैसे 108 बोलते हैं, लेकिन प्रमुख जो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड हैं वो 11 हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि ये शेष सारी उपनिषदें शंकराचार्य के बाद बनी होंगी। जहाँ तक गंभीरता और विचारों की उच्चता एवं उदात्तता का प्रश्न है, इन परवर्ती उपनिषदों से उपयुक्त 18 उपनिषदों की तुलना नहीं की जा सकती, पर इनमें भी ऐहिक एवं और पारलौकिक सिद्धियों की विवेचना एवं गवेषणा की गई है। 18 उपनिषदों में ईस, केन, कठ, मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य, सवेत्रास्वर, त्रयादि के नाम प्रमुख हैं। इनमें से 12 उपनिषदों पर भगवान शंकराचार्य ने अपना सुविस्तृत भाष्य लिखा है। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में चारों वेदों की शाखाओं की संख्या कुल मिलाकर 1130 बताई है। प्राचीन साहित्यकारों का आग्रह है कि वेदों की जितनी शाखाएं थी उतनी ही संहिताएं भी थी।
उतने ही ब्राह्मण और आरण्यक थे और उतने ही कल्प सूत्र और उपनिषद थी, किंतु आज इन सबका कोई पता ठिकाना नहीं है। वो पहले ही बताया था, विदेशियों ने हमारे अच्छे अच्छे जो लाइब्रेरी थी सब जला डाली थी। अडयार मद्रास की थियोसोफिकल सोसाइटी ने जो लगभग 200 उपनिषद प्रकाशित की हैं, उनमें से बहुतरे परिवर्तित काल की रचनाएं हैं। उपर्युक्त उपनिषदों जैसी गंभीरता, व्यापकता तथा उदात्तता उनमें नहीं है। उनमें से अधिकांश शैव शाक्त एवं वैष्णव संप्रदाय की पृष्ठभूमि मात्र बन गई है। उपनिषदों का यह कर्णिक विकास स्पष्ट संकेत करता है किस प्रकार आरंभ में हमारे धर्म और विचारधारा में संकुचित भावना अथवा सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं था। निखिल विश्व और ब्रह्म जैसे व्यापक प्रश्नों पर ही विचार किया जाता था, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते ये धारा शैव वैष्णव और शाक्त समुदाय की वृद्धि में आफर फंस गई, और जिसके परिणाम स्वरूप हम विश्रृंखल बन गए। हमारी ज्ञान गरिमा घट गई, हम ऊपर से नीचे उतरने लगे और आज पहुँचते पहुँचते ऐसी जगह आकर रुक गए हैं कि हमें यह ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि ज्ञान की ये उज्ज्वल मणियाँ हमारे ही पूर्वजों के मस्तिष्क से आविर्भूत हुई हैं। शांति की यह मंदाकिनी हमारे ही पूर्वजों के विशाल हृदय से प्रवाहित हुई है। प्रगतिवादी अथवा विकासवादी चिल्लाते हैं कि जो कुछ पुराना हो गया है वह सड़ गया है, उन्हें छोड़कर आगे चलो, पीछे की ओर मुख कर हम उन्नति के शिखर पर नहीं चढ़ सकेंगे आदि आदि। किंतु उन्हें यह सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि क्या करोड़ों वर्ष का यह सौरमंडल, यह धरातल, यह हिमवान, यह गंगा यमुना की निर्मल धारा पुरानी हो गई है, इन्हें छोड़ देना ही ठीक है। इनसे पूर्ववत लाभ होने की संभावना अब नहीं रह गई है, वे सब के सब नष्ट कर देने ही लायक हैं। ठीक, यदि कोई प्रगतिवादी यह कहने की हिम्मत कर सकता है कि हाँ ये सब उपेक्षणीय हो गए हैं, तो फिर उसके लिए मानव संस्कृति की ये मूल स्रोत उपनिषद कूड़ा करकट से ही हो सकती है। परंतु अभी ज्ञान उन्माद का ऐसा कठोर युग शुरू नहीं हुआ है। विज्ञान उद्रजन बन तक पहुँच कर भी बहुत नीचे है, उपनिषदें अभी बहुत ऊंची हैं, उनमें वर्णित जीवन के तत्वों की प्राप्ति अभी विज्ञान से संभव नहीं है। ट्यूबवेल लगाकर हम 10-20 बीघा खेती की सिंचाई भले ही कर लें, पर हरिद्वार का कुंभ अथवा तीर्थराज प्रयाग का संगम उस कूप के तट पर नहीं लगेगा। भीतर घुसकर देखिए इनके रत्नों की कुछ अमल अमंद छवि, जो तन मन के संतापों को दूर भगाने में आज भी यथापूर्व है। केवल हमारी आंखें बदल गई हैं, इनमें भी अज्ञान, प्रमाद और अभिमान का चश्मा चढ़ा हुआ है, उसे उतार का हम तनिक निहारें तो सही। अज्ञान और अविद्या में भ्रमते हुए भी अपने को धीर और पंडित मानने वाले मूर्ख लोग नाना कष्टों एवं योनियों में भी उसी प्रकार भटकते और ठोकर खाते फिरते हैं जैसे एक अंधे के पीछे चलने वाले दूसरे अंधे। सत्य की ही इस संसार में विजय होती है, असत्य की विजय कदापि नहीं होती। सत्य धर्म से ही ब्रह्म लोक की प्राप्ति का वह विस्तृत मार्ग देवयान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा अपनी कामनाओं को प्राप्त करने वाले महर्षि गण उस परम धाम में गमन करते हैं जहाँ वह सत्य का परम आश्रय परमात्मा निवास करता है। यह आत्मा सर्वदा सत्य से, तपस्या से, यथार्थ ज्ञान से और ब्रह्मचर्य से पाया जाता है। निष्पाप और यत्न में निरंतर रहने वाले लोग इस निष्कलंक और प्रकाश स्वरूप आत्मा को अपने अंतःकरण में ही देखते हैं। हमारे पूर्व आचार्यों की यह शिक्षा अकेले ही भारतीय संस्कृति के सभी अंगों पर प्रकाश डालने में पर्याप्त है। भारत के पास कुछ रहे या न रहे, यदि उसके निवासी अपने पूर्वजों की इस अमर वाणी का ही केवल अनुसरण करते रहेंगे तो उन्हें कल्पांत तक अकिंचन दुखी और अशांत होने का कोई कारण नहीं होगा। इस प्रकार विश्व के विस्तृत वांग्मय में
साहित्य, वांग्यम में का मतलब होता है साहित्य, में उपनिषद की महत्ता बेजोड़ है। वे न केवल अपनी परम प्राचीनता के कारण आदरणीय है, तत्त्वतः उनकी सहज सुखदायिनी सूक्तियाँ अमरत्व का संदेश देने वाली हैं। भारतीय आर्य संस्कृति का समुन्नत एवं शुद्ध रूप तो सदा से इन्हें अमृत वाटिकाओं में निमज्जित होकर निखरा है। ये किसी संप्रदाय विशेष की वस्तु नहीं है, इनकी सामान्य दृष्टि वसुधैव कुटुंबम के महान एवं पुनीत लक्ष्य पर स्थिर है। यही कारण है कि देश विदेश सर्वत्र इनका आदर सम्मान है। पर यह सब होते हुए भी उपनिषद सर्वसाधारण के लाभ में नहीं आती। इनकी गहन गंभीरता की दुहाई देकर जब हमारे कितने संस्कृतज्ञ पंडित जन भी इनके अमर संदेश से आजीवन वंचित रह जाते हैं, तब केवल हिंदी जानने वालों का यह दोष। आज तक अनेक उपनिषदों के, देखो भाई भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, असली चीज क्या है कि किसी किसी भाषा के द्वारा ज्ञान क्या है, असली चीज ये है। तो हमें जो है ना उपनिषदों में, मैंने बताया ना कि उदाहरण दे करके कहानी दे करके बड़ा अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो अब इसके आगे जो मैं महत्व जो बताया हूँ, इसके आगे में उपनिषदों की कहानियों के द्वारा किस प्रकार जो है ज्ञान का संचार किया गया है हमारे ऋषियों द्वारा, तो ये मैं कहानियों की एक श्रृंखला शुरू करूँगा। क्योंकि कहानियों में अलंकारिक भाषा का यूज किया गया है, जैसे कठोपनिषद में नचिकेता, नचिकेता कोई वास्तव में नहीं रहा है, नचिकेता एक विद्यार्थी है, एक साधक है, एक जिज्ञासु है, उसने यमराज से जो है आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया। तो श्वेत केतु है वगैरह वगैरह बहुत ऐसे, तो कहानियों की कहानियों से हमें उनका जो है ज्ञान सही मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोग जो हैं, मेरी जो चैनल है उसमें आप अपने क्वेश्चन लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अध्यात्म ज्ञान है ना वो अनुभव के द्वारा प्राप्त किया जाता है, किताबें पढ़ के नहीं। किताबें तो टीवी में आप दुनिया भर के बैठे हैं पंडित लोग प्रचारक हैं वो पढ़ देते हैं बहुत सारे। देखो अनुभव के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वही उपयोगी होता है। किताब से पढ़ लिया और सुना दिया तो वो उसका असर भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है मेरे से पूछ सकते हैं, आपको जो डाउट आए वो पूछ सकते हैं, ठीक है। नमस्ते दोस्तों। अच्छा एक कृपा करना, मेरी जो चैनल है जिसमें आपने ये पढ़ा है उसमें कृपा करके आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों ये चैनल मैंने इसीलिए शुरू की है कि आज बहुत भ्रम फैला हुआ है, बहुत सारे लोग हैं गुरु बनते हैं। देखिए एक होता है निष्कर्म, निष्काम कर्म जिसको हम बोलते हैं, बिना किसी स्वार्थ के सत्य क्या है वो बताना, ये असली निष्काम कर्म है। तो भाई जो मेरा अनुभव है, जो मैं करता हूँ पढ़ता हूँ ध्यान परमात्मा का करता हूँ, उसके अनुभव के आधार पर आप मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। नमस्कार।